के लिए वीडियो एडिटिंग के साथ ऑडियो एडिटिंग सीखना बहुत जरूरी है। तो ऑडियो एडिटिंग में शार्पनेस, नॉर्मलाइज, रिडक्शन, स्पीड, स्पीच एक्सेट्रा बहुत कुछ होता है। आज सब कुछ इस वीडियो में सीख लेंगे। तो वीडियो के लास्ट होती है रिकॉर्ड वॉइस और एक होती है रिकॉर्ड। वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो चाहे शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो। वॉइस एडिटिंग बहुत जरूरी है। आपकी वीडियो में आपकी वॉइस तेज होना, शार्प होना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव पांडे और आज की इस वीडियो में आपको पूरी वॉइस एडिटिंग सीखने मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और स्किप मत करना, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। वॉइस एडिटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे शार्पनेस, क्लियरनेस, रिडक्शन, स्पीड, पिच एक्सेट्रा। आज सब कुछ आप एक ही वीडियो में सीखने वाले हो, तो थोड़ा टाइम तो जरूर लूंगा आपका। आई होप यू ऑल हैव डोंट माइंड। तो इसके लिए आपको पहले एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। और भाई बड़े बड़े क्रिएटर भी इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। अब भाई बहुत से लोगों को हो सकता है आपको भी इसके बारे में पता होगा, लेकिन लोगों को इसे यूज करना नहीं आता और इसे यूज करना भी डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ जिससे इसको यूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, वहीं चल के मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि जब आप इसे यूज करते हो तो ये एकदम ब्लैंक होता है और सच कह रहा हूँ भाई, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको अपनी वीडियो को सबसे पहले VN वीडियो एडिटर में लाना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। इससे क्या होगा कि आपका ऑडियो आपके वीडियो से अलग हो जाएगा। आपको ऑडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको थ्री डॉट मिलते हैं, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करते ही आपके पास एक शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। शेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर पर क्लिक करना है। पहले आप इसे सुन लो, फिर आपको पता चलेगा कि एडिट के बाद इसमें क्या इम्प्लीमेंट। तो इस चैनल का गोल है कि अगले एक महीने में 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, तो वॉइस सुन लिया होगा। अब चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ आपको ऊपर थ्री डॉट दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको इक्विलाइजर एम्पलीफायर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लेयर का चार्ट आता है। अब आपको समझना क्या है कि ये होता क्या है, इन सब लेयर से होते क्या है। जो ये सेकंड लास्ट है, इससे आपकी वॉइस की पिछाई होती है, और ये जो लास्ट वाली है ये आपकी वॉइस को क्लियर करने के लिए होती है। तो हमें इन दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है। मैं इतना रखता हूँ, आप इसे अपने वॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और ये जो सेकंड वाला है इसे भी थोड़ा बढ़ा लेना है। ये क्या करता है, क्या होगा कि आपकी वॉइस में एक दम सा आ जाएगा। ये और भी लेयर है, आप इसे अपने हिसाब से देख लेना आप, और यहाँ से इसे अप्लाई करते हैं। अब एक चीज और जानते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि कहीं आपकी वॉइस तेज हो जाती है तो कहीं आपकी वॉइस धीमी हो जाती है। और इसको ठीक करने के लिए वापस आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इफेक्ट आएगा, इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है। हाँ, आपको नॉर्मलाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके वॉइस की पिच नॉर्मल हो गई। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख लेना। अब देखते हैं कि इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, नीचे आना है। नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, आपको जस्ट उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से VN वीडियो एडिटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको इसे म्यूजिक में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कोई भी फोल्डर का नाम देके सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद अब आपको उसी वीडियो पे वापस आ जाना है और अनएडिटेड वॉइस को डिलीट कर देना है। यहां से आपको म्यूजिक पे क्लिक करना है और उसी फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने अपनी एडिट ऑडियो को सेव किया था, वहां से उसे यूज में लेना और नीचे एक टिक का निशान पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी एडिट ऑडियो आपकी वीडियो के साथ आ गई। अब यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हो। और बाकी बहुत सारी एडिटिंग एप्लीकेशन तो आप जानते ही हो। तो अगर आपने मेरी ब्रेन एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो भाई अभी चैनल पे जाओ और उस प्लेलिस्ट को चेक करो, उसमें मैंने ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो शेयर दीजिए।